कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सचिन पायलट। इस चुनावी सभा में मनचासीन हमारे महबूब नेता, हमारे युवाओं के देश की धड़कन राहुल गांधी जी और हमारे दौसा के बहुत ही लोकप्रिय जो कण कण में बसते हैं सम्मानीय युवा नेता सचिन पायलट जी हमारे यहाँ पधारे हुए, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय रंधावा जी, सिकरा से प्रत्याशी ममता जी, बांदीकुई से प्रत्याशी कठना जी, महुआ से प्रत्याशी हुड़ला जी और लोकसभा प्रत्याशी सविता जी, सभी हमारे मनचासी नेतागणों, सभी पत्रकार बंधुओं और इस जनसभा में पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले आप सब की तरफ से राहुल जी का इस दौसा की धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। आप दौसा पधारे सम्मानीय सचिन पायलट जी, सम्मानीय सचिन पायलट जी जिनके की एक कर्म भूमि है, जो कि यह प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बसते हैं, उनका भी दौसा की धरा पे स्वागत है। साथियों, आप सबको पता है सम्मान्य राहुल जी, जब आपकी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो मैं समझता हूँ कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सबसे ज्यादा यदि जोश था उस यात्रा का तो हमारे दौसा में था। हमारी ऐतिहासिक वो यात्रा थी और ये सामने माता बहने बैठी है और ये जो पीली लुगड़ी है ये उस टाइम भारत का कोड वर्ड बन गया था, कोड, और पीली लुगड़ी मीन्स दौसा। सम्मानीय राहुल गांधी जी, ये पायलट साहब की कर्मभूमि है, स्वयं ये राजेश पायलट जी ने इसको अपने खून पसीने से सींचा था। यहाँ का कण कण में, यहाँ के कण कण में उनकी रस बसती है। स्वर्गीय पायलट साहब के बाद में सचिन जी पायलट का क्षेत्र रहा है, उसके बाद में यहाँ नवल किशोर जी का भी क्षेत्र रहा है। यहाँ पर हमेशा कांग्रेस की भूमि रही है, यहाँ के लोग कांग्रेस विचारधारा के हैं। आज आपके आने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के युवा साथी जिनकी आप देश में चिंता करते हो, यहाँ के आदिवासी जिनकी आप देश में चिंता करते हो, दलित समाज जिसकी आप देश में चिंता करते हो, वो सब किस्म मिलकर के कांग्रेस की विचारधारा पे, आपकी विचारधारा पे निश्चित आने वाली 25 तारीख को जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करेंगे। सम्मानीय राहुल जी, यहाँ पिछले साल भी मेरे को प्रत्याशी बनाया गया था और यहाँ की जनता ने मुझे पायलट साहब की मेहरबानी से 51,000 से विजयी बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरी जनता, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, यहाँ के क्षेत्र के वासी पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे ना साथियों। पुनः आप सब यहाँ पधारे, मेरी ओर से दौसा की धरा पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, राम राम साहब। इसी कड़ी में आगे बढ़ते